हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रद्युमन शर्मा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, कैसे आप तुरंत अपनी ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब भी हमें ओवरथिंकिंग होती है, तब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, तब हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जो हमारी हेल्थ को है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज झेलना पड़ता है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी जो ओवरथिंकिंग है थिंकिंग को रोक सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, तुम जाओ जाके सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल आइकन को, जिससे कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आप तक उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सात तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप अपनी ओवरथिंकिंग को कर सकते हो स्टॉप। एक्चुअली ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने का इतना आसान तरीका नहीं होता। ओवरथिंकिंग एक ऐसी लेवल की थिंकिंग है जिसको आप तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरथिंकिंग जो है वो माइंड का खेल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर फुदकने वाला इंसान, जिसको हम मंकी माइंड कहते हैं, हमको हमारे इस मंकी माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे इस मंकी माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो ओवरथिंकिंग है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने वाली है। तो आज सात तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप अपनी ओवरथिंकिंग को जो है वो स्टॉप कर पाओगे, तुरंत स्टॉप कर दोगे। तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। मैं प्रद्युमन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। दोस्तों, पहली टिप जो ये है मेरी तरफ से, वो ये है आप सभी के लिए कि यार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है उसको होती है बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग। बेसिकली ओवरथिंकिंग कुछ हद तक सही भी है, बट कुछ हद तक ओवरथिंकिंग गलत भी है। अब सही इस लेवल तक है कि ओवरथिंकिंग से जो है वो आप सामने वाले को क्या जवाब देना है ये आपको पता होता है, बट गलत इस तरीके से है कि आप जो है वो परेशान हो जाते हो ओवरथिंकिंग कर करके 24/7 आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते। इसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो उन थिंकिंग्स में खो जाता है, उन थिंकिंग्स में डह जाता है। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। आप जैसे ही अकेले होते हो, आप जैसे ही कहीं भी किसी भी जगह में जहाँ पे आप अकेले बैठे हो वहाँ पे आप होते हो, तो आप ये बात नोटिस करना कि आप जो है वो ओवरथिंकिंग से अपने आप को परेशान कर लेते हो। और जैसे ही आप अकेले होते हो आपके माइंड में लॉट्स ऑफ ओवरथिंकिंग आने लग जाती है, और वो आपके सबसे बड़े हार्म का कारण बनती है। दूसरी टिप्स अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, तो दूसरी टिप्स हमारी ये होगी कि आपको अपनी ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने के लिए आपको अपनी ओवरथिंकिंग पे वर्क करना पड़ेगा। इट मींस उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपको अकेले बैठने से ओवरथिंकिंग होती हो, तो यार मत बैठो अकेले, क्या जरूरत है अकेले बैठने की, मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो अकेले। जाओ अपने परिवार के साथ जाके टाइम बिताओ, क्योंकि यार आपका जो परिवार है, आप जब उसमें जाके बैठोगे तो आप हंसना खेलना कूदना सीखोगे, आप एंजॉय करोगे, आप कॉमेडी करोगे, आप ह्यूमर क्रिएट करोगे, और जो है वो आपकी जो लाइफ है वो हंसते खेलते कटेगी। जैसे ही आपकी लाइफ जो है वो हंसते खेलते कटेगी, तो आप ये बात जान सकोगे कि आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो तुरंत स्टॉप हो जाएगी। आपको ओवरथिंकिंग होगी ही नहीं मेरे भाई, तो कभी भी अकेले मत बैठो। अकेले बैठने की आदत को छोड़ दो, अगर तुम्हारी अकेले बैठने की आदत है तो तुरंत टाटा बाय कह दो, कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अगर मैं अगली टिप आपको दूं ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने की, जिससे कि आप अपनी ओवरथिंकिंग को जो है वो अपने ओवरथिंकिंग पे वर्क करके स्टॉप कर सकते हो, अपने आप पे वर्क करके, अपने ब्रेन पे वर्क करके अपनी ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर सकते हो, तो वो टिप यही होगी कि आप अपने आप को लेके कभी रिग्रेट फील मत करो। आप गोरे हो, काले हो, पतले हो, सांवले हो, नाटे हो, जैसे भी हो यार, भगवान ने आपको बनाया, तो जैसे भी भगवान ने आपको बनाया, आपकी खुदा, आप जिसको भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो,
आपको जिसने भी बनाया, जैसा भी बनाया, बहुत परफेक्ट बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है, तो कभी भी अपने आप को लेके रिग्रेट फील मत करो। अगर आपको इतना ही लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, तो यार अपनी कमियों पे वर्क करो, और हो सके जहां तक तो अपने बॉडी पे वर्क करो। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं आगे की वीडियो में, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आप अभी कभी भी अपने आप को लेके रिग्रेट फील मत करो, क्योंकि आप जब अपने आप को लेके रिग्रेट फील करते हो तो आपको कहीं ना कहीं होने लगती है टेंशन, टेंशन से होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से होती है ओवर थिंकिंग, और इससे जो भाई आपकी बसती है पूरी दिमाग की बैंड। तो यार कभी भी अपने दिमाग की बैंड मत बजाओ, कभी भी अपने आप को लेके रिग्रेट फील मत करो। जब भी आपको लगे कि आप ऐसे हो, बस आप उन लोगों को याद कर लेना जिनके ना तो हाथ है और ना ही पैर है, और जिनके कान अलग है, जिनके नाक अलग है, जिनकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी है, उन लोगों को याद करने रहा है, उन लोगों को तो फील होता होगा, लेकिन वो लोग खुश रहते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी से, वो लोग बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं। तो यार जब वो लोग खुश हैं तो आप लोग क्यों परेशान हो? आपको भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो और किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो यार कभी भी अपने आप को लेकर रिग्रेट फील मत करो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है, तब आप मेडिटेशन कर लिया करो, आपको रिग्रेट फील कभी भी नहीं। अगला जो पॉइंट है, ऑल राइट, तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अपनी पास की बातों को याद मत करो। यार जब भी आप अपनी पास की बातों को याद करते हो, तब आपके माइंड में ये आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। कहने का मतलब आप उस मैं में अटक करके रह जाते हो। जब आप उस मैं में अटक करके रह जाते हो, तो आपको होती है ओवर थिंकिंग, और मेरे भाई आपकी दिमाग की पूरी तरीके से उड़ती है धज्जियां। तो आप कभी भी ऐसा मत करो। जब भी आपको लगे कि आपके साथ में किसी ने भी गलत किया है, छोड़ो यार, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी जिंदगी है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। आप जब 100 रुपए खर्च करते हो, तो बहुत सोच समझ के खर्च करते हो कि आपको उन 100 रुपए को कहाँ खर्च करना है। तो यार आपकी जिंदगी जो है वो भी उन 100 रुपए की तरह ही है, जिसको आप जिस पे भी खर्च करो बहुत सोच समझ के खर्च करो, और जहां तक हो सके तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। किसने आपको क्या बोला, किसने आपको क्या नहीं बोला, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों से। तो इस सब चीजों को इग्नोर मारो, और जब आपका दिमाग इन सब चीजों की तरफ जाए, तो यार अपने परिवार वालों के पास में जाके बैठो, उनसे अच्छा ऑप्शन आपके पास में और कोई है ही नहीं। आपके पेरेंट जो रियलिटी में आपके बारे में सोचते हैं, और रियलिटी में आपकी जो ग्रोथ चाहते हैं, जो आपको एक अच्छा इंसान बनता देखना चाहते हैं, उनके पास में जाके बैठो, उनके पास में जाके डिस्कशन करो, वही आपको सॉल्यूशन देंगे इस चीज का। तो कभी भी जो है अपनी पास्ट को लेके मत सोचो, पास्ट है वो गया, उसको जाने दो, अपने प्रेजेंट में जियो, अपने प्रेजेंट को। अगले पॉइंट की, जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हो, तो वो ये है कि कभी भी अपने आप को लेके सेल्फ सेंटर्ड मत बनो। यार दूसरों की हेल्प करो, क्योंकि जब आप सेल्फ सेंटर्ड बनोगे, तब आप अकेले रह जाओगे अपनी लाइफ में, आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई भी रिश्तेदार आपके साथ में नहीं देने वाला, आपके साथ में ना तो रहने वाला है और ना ही आपका साथ वो देने वाला है। तो कभी भी अपने आप को लेके सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, हेल्पिंग नेचर के बनो, केयरिंग नेचर के बनो, और जिसकी भी आप हेल्प करो उससे कभी भी जो है एक्सपेक्टेशंस मत पालना, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस पालोगे तब आपको मिलेगा धोखा। तो कभी भी उस इंसान को लेके एक्सपेक्टेशंस मत पालना, बस ऐसा समझो कि आपने उस इंसान की हेल्प की और आपने जो है वो एक दरिया में बहा दिया अपनी हेल्प को, और कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक, तो आपने जिसकी भी हेल्प की है, जरूर नहीं वो इंसान बल्कि आपके आने वाली लाइफ में और कोई इंसान आपकी उसी तरीके से या किसी और तरीके से आपकी हेल्प कर देगा। सो अपने कर्मों पे विश्वास रखो, अगर आपने किसी की सहायता की है तो उसे कभी भी एक्सपेक्टेशन मत पालो कि वो आपकी रिटर्न में सहायता करेगा। अपने कर्मों पे विश्वास करो, और जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। तो हेल्प करना सीखो, हेल्पिंग नेचर के बनो, ये कभी मत सोचना कि ये दुनिया मतलबी है। यार दुनिया मतलबी नहीं हो सकती है, जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत बड़ी है, एक समंदर की जैसा है, जिसमें आप जितना डालोगे उतना आपको मिलेगा रिटर्न में। तो कभी भी सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, हमेशा हेल्पिंग। बात करूं तो वो ये है कि कभी भी अपने इल्यूजन में मत जियो, क्योंकि यार जो इंसान ओवर थिंकिंग में होता है वो कभी भी इल्यूजन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस कर ही नहीं पाता। उसका जो ब्रेन होता है
वो इल्यूजन को भी रियलिटी समझता है और रियलिटी को भी इल्यूजन समझता है। आप जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे इस पॉइंट से, तो मैं आपको बताता हूं कि इल्यूजन जो होता है वो आपके माइंड में चलता है, जो चीज रियलिटी है ही नहीं वो आपके माइंड में चलती है, और रियलिटी जो है वो कुछ और होती है, जिससे हमें लगता है अकेलापन। और जब हमें लगता है अकेलापन तो हम हो जाते हैं अपने आप से परेशान और हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो कभी भी ऐसा मत करो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने इल्यूजन में हो, तुरंत मेडिटेशन कर लो या फिर तुरंत जाओ और जाके जो भी है आपके, आप जिस भी भगवान को मानते हो उन भगवान को प्रे करो, या फिर जाके अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, और घर के आपके पार्क में या आपके घर पे अगर कोई स्मॉल चाइल्ड है, अगर कोई चिल्ड्रन है, तो उसके साथ में जाके समय बिताओ। आपका जो इल्यूजन है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और जब आपका इल्यूजन टूट जाएगा, जब आपका इल्यूजन बिखर जाएगा, तब आप रियलिटी में जी पाओगे। नहीं तो आप पूरी जिंदगी निकाल दोगे अपने इल्यूजन में जीने के लिए, और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर अगले पॉइंट की हम बात करें, जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को जो है वो खत्म कर सकते हो, आप अपनी ओवर थिंकिंग को जड़ से मिटा सकते हो, माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि यार आलसी मत बनो, पड़े मत रहो, अपनी बॉडी को यूज करो, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को यूज करो। सुबह सुबह आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के साथ योगा करो, और आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, आपका जो भी टाइम है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज, ये तीन चीजें ऐसी है जो अगर आप करते हो तो आपको ओवर थिंकिंग होगी नहीं। तो अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया है तो एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपकी बॉडी जो है वो एक्शन में आएगी, मूवमेंट में आएगी, और जैसे ही आपकी बॉडी जो है वो एक्शन में आएगी, मूवमेंट में आएगी, तब आपको खुद को पता चलेगा कि आप जो है वो ओवर थिंकिंग को छोड़ चुके हो, आपको ओवर थिंकिंग उसके बाद में नहीं होगी। तो कुछ भी हो, कम से कम दिन में 1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज तो दो, वो अपनी बॉडी को मूवमेंट करो। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ में, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, या फिर आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उन अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे यार खुशी से शेयर करो इस वीडियो को, और स्पेशली उन लोगों को शेयर करो जो कि ओवर थिंकिंग के शिकार है। हो सकता है कि वो आपके कोई रिलेटिव हो सकता है वो आपके कोई फ्रेंड हो, या हो सकता है वो कोई और हो। खैर, आप जो भी हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, जिससे कि उनको हेल्प होगी अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में, अपनी ओवर थिंकिंग को तुरंत रोकने में। मैं प्रद्युम्न शर्मा मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को जाते जाते एक थम्स अप जरूर देके जाना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और आप होगी देख के यूं ही निकल जाते हो, और अपने दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।